तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जैसे ही आपको गल्फ कंट्री में अब्रॉड में जॉब मिल जाता है तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी एफएनबी डिपार्टमेंट में कितनी होती है और किस बेस पे डिसाइड की जाती है। जैसे ही आप एज ए वेटर ज्वाइन करते हैं या फिर एज ए सुपरवाइजर कैप्टन जिसको बोलते हैं एज ए कैप्टन ज्वाइन करते हैं या फिर एक रेस्टोरेंट मैनेजर ज्वाइन करते हैं, ना कि एफएनबी मैनेजर की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं रेस्टोरेंट मैनेजर यानी कि वेटर सुपरवाइजर और रेस्टोरेंट मैनेजर की सैलरी स्टार्टिंग में अब्रॉड में कितनी होती है। निरंतर प्रयास करने वालों की हार नहीं होती और कौन बोलता है उनकी नैया पार नहीं होती। अगर आप कंटिन्यूस हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपको सक्सेस 100% एक दिन लाइफ में जरूर मिलेगी। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप रेडी हैं होटल जॉब्स ज्ञान चैनल पर बिश शेफ राणा, जो कि आपको मालूम है इस चैनल पर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जिस कंट्री में मैंने काम किया था, जैसे बहरीन में, दोहा कतार में, दुबई में, और अभी प्रेजेंट में सऊदी में काम कर रहा हूं, तो सऊदी अरब का भी सिर्फ और सिर्फ पर्सनल एक्सपीरियंस से ही मैं आपको ये वीडियो बनाता हूं और शेयर करता हूं और अपलोड करता हूं इस चैनल पर, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है आपके काम आए। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है, जैसे ही आप अब्रॉड में या गल्फ कंट्री में जॉब ले लेते हैं और तो आपकी एज ए वेटर, एज ए सुपरवाइजर, एज ए रेस्टोरेंट मैनेजर सैलरी कितनी होती है। फ्रेंड्स, आपको अपने कंट्री में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर आपका एक ही सपना रहता है कि अभी मेरे को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, अब मेरे को अब्रॉड में काम करना है, अब्रॉड में काम करना है और ज्यादा सैलरी कमानी है। फ्रेंड्स, अगर आपने स्टार्टिंग में थोड़ा सा हार्डवर्क कर लिया तो आपको वो हार्डवर्क फ्यूचर में बहुत सारी ग्रोथ दिला सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग ही अगर आपकी मजबूत नहीं होगी, स्ट्रांग नहीं होगी, आपको नॉलेज नहीं होगी, तो जो इंटरव्यू वगैरह आप दूसरे कंट्री के लिए या अपने कंट्री के लिए दे रहे हैं उसमें आपको हो सकता है सक्सेस नहीं मिले। तो मेरा मानना ये है, आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा हार्डवर्क कीजिए, चाहे कितने भी आवर्स आपको ड्यूटी करनी पड़े, चाहे कितना भी आपको हार्डवर्क करना पड़े, लेकिन अभी आप मौज ले रहे हैं, बाद में आपको सक्सेस भी होंगे, आप आराम से ड्यूटी भी कर सकते हैं लास्ट में। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक पे आते हैं। जैसे ही आप अगर जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं तो थोड़ा हार्डवर्क करके आप अब्रॉड में जॉब लीजिए, और अब्रॉड में जॉब के साथ साथ आपको जो एक्सपीरियंस होगा वो भी आपका अपने कंट्री में जाके बहुत फायदे करेगा। फ्रेंड, जैसे आप काम तो कहीं भी करते हैं, तो अगर इंडिया के हैं इंडिया में काम करते हैं, या दूसरे कंट्री के हैं आप दूसरे कंट्री में काम करते हैं, वही काम करके आपको ज्यादा सैलरी अब्रॉड में मिल रहा है, तो क्यों ना बाहर के लिए ट्राई की जाए, थोड़ा सा हार्डवर्क किया जाए जिससे आपको ज्यादा पैसे मिले और अब्रॉड में काम करने का एक्सपीरियंस भी मिले। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा हार्डवर्क आप कीजिए, लाइफ में सक्सेस 100% मिलेगी। फ्रेंड्स, होटल इंडस्ट्री में काम करने के आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। एक तो आपको, अगर आपने अब्रॉड में जॉब ले लिया तो आपको बहुत ज्यादा सैलरी मिलेगी, आप बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं और बहुत सारे कस्टमर को हैप्पीनेस दे सकते हैं। जैसे आपने अपने सर्विस दी, बेस्ट सर्विस दी आपने, तो कस्टमर आपका फैन हो गया और वो आपको बहुत लंबे टाइम तक जब भी होटल में आएगा याद करता रहेगा, यानी कि बहुत सारे फ्रेंड्स भी मिल जाते हैं, बहुत सारी जान पहचान बढ़ जाती है। अगर आप होटल इंडस्ट्री में आते हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो हार्डवर्क करते हैं और अपने काम से प्यार करते हैं, तो फ्रेंड सैलरी तो मिलती है। ये सारी फैसिलिटियां, एक लाइफ स्टाइल आपका चेंज होता है, एक प्रोफेशनल लाइफ में आप आ जाते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं स्टार्टिंग में एक वेटर की अब्रॉड में एफएनबी डिपार्टमेंट में सैलरी कितनी होती है। अभी जहां मैं प्रेजेंट में काम कर रहा हूं, यहां पर एक स्टार्टिंग वेटर की सैलरी 2400 सऊदी रियाल है, और अगर हम इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये हो जाते करीब 45,000 से 48,000 आज की जो रेट चल रहा है उसमें। तो आप 45,000 रुपए सैलरी कमा सकते हैं एज ए वेटर स्टार्टिंग में यहाँ पे। उसके बाद में आपको टिप्स भी मिलता है, तो मिनिमम टिप्स यहाँ पे 300 से 400 होता है, तो यानी कि 6,000 से 8,000 और आपको हो जाता है, तो टोटल आपको 50,000 से ऊपर हो जाते हैं।
प्लस आपको सर्विस चार्ज भी यहाँ पर मिलता है। सर्विस चार्ज आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है, कितना परसेंटेज देते हैं कंपनी वाले और कितना बिजनेस उस मंथ में हुआ है। उसके बाद में आपको फूड भी मिलता है, यानी कि खाना भी मिलता है आपको, दोनों एक ड्यूटी टाइम का, दोनों टाइम का तो नहीं मिलता है, जिस समय पे आप ड्यूटी कर रहे हैं उस समय का खाना आपको यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। और आपको रहने के लिए अकोमोडेशन मिलता है, ट्रांसपोर्ट मिलता है, यानी कि आप अपनी पूरी सैलरी सेव कर सकते हैं। थोड़ा बहुत खर्चा होगा आपका, जैसे साबुन वगैरह, ब्रश वगैरह, कोलगेट वगैरह, ये सारी चीजों में छोटा मोटा खर्चा होता है, अदरवाइज आप पूरी सैलरी सेव कर सकते हैं एज ए वेटर। यहाँ पे इतनी सैलरी आप ले सकते हैं और ये हकीकत है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बोलते हैं लेबर की सैलरी इतनी होती है, मैं लेबर की बात नहीं कर रहा, मैं होटल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये एक वेटर की स्टार्टिंग सैलरी है गल्फ कंट्री में। अभी बात करते हैं सुपरवाइजर की स्टार्टिंग सैलरी, जो कैप्टन बोलते हैं अपने इंडिया में। तो स्टार्टिंग सैलरी सुपरवाइजर की यहाँ पे होती है 3,500 साउदी रियाल से 4,000 रियाल तक। अगर हम 3,500 मिनिमम लेके चले तो मिनिमम 3,500 साउदी रियाल आपके इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो करीब 70,000 यानी 70,000 रुपए होते हैं अपने। उसके बाद में उसको आपको टिप्स भी मिलती है, उनकी जो टिप्स होती है कैप्टन की, सुपरवाइजर की डबल पॉइंट होती है, यानी कि डबल हो जाते हैं उसकी हो जाती है 600 से 800, यानी कि अगर आप 600 ही मान के चलो तो 12,000 वो हो जाते हैं, तो टोटल आपको 70-80,000 वो होते हैं, 10-12,000 ये हो जाते हैं। उसके बाद में आपको सर्विस चार्ज भी मिलता है और फूड भी मिलता है जिस समय पे आप ड्यूटी कर रहे हैं उस समय पे, और अकोमोडेशन भी मिलता है, ट्रांसपोर्ट भी मिलता है। फ्रेंड्स, ये सैलरियां मोस्टली एक्सपीरियंस पे ज्यादा डिसाइड होती हैं। जैसे आप इंटरव्यू देते हैं तो आपका जितना एक्सपीरियंस है उसके ऊपर ही डिसाइड होगी कि 1 ईयर का तो इतनी सैलरी दे सकते हैं, लेकिन ये मिनिमम सैलरी है। यहाँ पे जो काम कर रहा है मेरे साथ में, मैं देखता हूँ अपनी आंखों से, तो ये मिनिमम से मिनिमम सैलरी है। उसके बाद में प्रमोशन और ये सारी चीजें होती ही रहती है आपके साथ, आपको माल में जैसा आप परफॉर्मेंस करोगे ऐसा ही आपको परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको प्रमोशन, सैलरी इंक्रीमेंट ये सारा दिया जाता है। तो अभी बात करते हैं एज ए रेस्टोरेंट मैनेजर की सैलरी कितनी होती है अब्रॉड में। एज ए रेस्टोरेंट सैलरी आपको, मैं रेस्टोरेंट मैनेजर की बात कर रहा हूँ, मैं एफएमबी मैनेजर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो फ्रेंड, एज ए रेस्टोरेंट मैनेजर की सैलरी 7,000 साउदी रियाल से 8,000 साउदी रियाल होती है। अगर हम लोग इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें इसको तो करीब 1,40,000 से 1,60,000 तक होती है। और उसके बाद में आपको सर्विस चार्ज, आप एफएमबी मैनेजर हो या कोई भी हो, सबको मिलता है सर्विस चार्ज, टिप्स वगैरह, और आपको फूड और अलाउंस जो भी बाकी के होते हैं वो सारी चीज भी मिलती है। ये सैलरी भी आपको एक्सपीरियंस के, और आपने कहाँ कहाँ कौन कौन सी प्रॉपर्टी में, कौन सी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी में काम किया उसके बेस पे आपको डिसाइड की जाती है। तो फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आएगा, एक वेटर की सैलरी आपको यहाँ पे 2,400 रियाल मिलती है, एक सुपरवाइजर की सैलरी करीब 3,500 से 4,500 रियाल तक भी ले सकते हैं, एक रेस्टोरेंट मैनेजर आपको 7,000 से 8,000 रियाल भी ले सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।